बात यह है कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री के चंदादाताओं का 14.5 लाख करोड़ कितना 14.5 लाख, बाबू रे सुन्ना बिठा के देख लेना कि क्या को सुन्ना बिठाना पड़ेगा 14.5 लाख में, 14.5 लाख करोड़ अगर प्रधानमंत्री के दोस्तों का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो बिहार के भीतर भी मखाना उगाने वाले, मक्का उगाने वाले, धान उगाने वाले, गेहूं उगाने वाले और सब्जी उगाने वाले किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। बोलिए गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? कॉरपोरेट का कर्जा माफ कीजिएगा और किसान का कर्जा माफ नहीं कीजिएगा। बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा गृह मंत्री का बेटा और हमको जो है ठेके का नौकरी दीजिएगा। मंत्री बनेंगे 5 साल के लिए, प्रधानमंत्री बनेंगे 5 साल के लिए और अग्निवीर योजना के तहत हमको 4 साल का नौकरी दीजिएगा, 4 साल का नौकरी दीजिएगा और उसमें देश की सेवा करते हुए अगर हमारी शहादत होती है, हमारी जान जाती है, तो हमको शहीद का दर्जा नहीं दीजिएगा। हमारे घर से लोग फौज की नौकरी करते हैं, बेल्ट की नौकरी करते हैं, हमारे घर से लोग शिक्षक की नौकरी करते हैं, पुलिस की नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। इसीलिए हम मंच पे खड़ा होकर के राजनीति नहीं करते हैं, न्याय और हक की लड़ाई लड़ते हैं, ये बात याद रखिएगा। और उसी न्याय की हक की लड़ाई में मैं बिहार के नौजवानों से एक अपील करना चाहता हूं, दोस्त घबरा करके आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हम वो धरती हैं जहां चंद्रगुप्त पैदा हुए थे और मौर्य साम्राज्य ने सिकंदर तक को चुनौती दिया था। हम वो धरती हैं जहां हम सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ाते हैं, तो हमारे यहां दशरथ मांझी भी पैदा हुए कि एक छेनी हथौड़ी से पहाड़ काट करके रास्ता बना दिया था। हम उस बिहार के लोग हैं, इसीलिए मैं अपने बिहार के आदरणीय निवासियों से, नागरिकों से एक अपील करना चाहता हूं। आपको फैसला करना पड़ेगा, आपको तय करना पड़ेगा कि आप अन्याय के साथ खड़े हैं कि न्याय के साथ खड़े हैं। बोलिए आप लोग न्याय के साथ खड़े हैं? इतनी जोर से आवाज लगाइए कि सत्ता को घबराहट होने लगे, उनको यह एहसास हो जाए कि बिहार एक बार फिर से इस देश में क्रांति के लिए, बदलाव के लिए तैयार है। उनको घबराहट हो जाए कि उनका जो फूट डालो राज करो की नीति है, वो फूट डालो राज करो की नीति नहीं चलने वाली है। और ये फूट डालो राज करो की नीति क्या है, टीवी खोल करके देख लीजिएगा। भाई लोग आपसे कोई शिकायत नहीं है, हमको मालूम है कि जो लोग मीडिया में नौकरी कर रहे हैं उनके पिताजी प्रधानमंत्री नहीं है, गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, वो साधारण परिवार के लोग हैं। लेकिन जो मालिक हैं, वो मालिक इस देश के 140 करोड़ लोगों के साथ बेईमानी करने के लिए तैयार हैं। आप टीवी खोल करके देख लीजिए, टीवी आपका रिचार्ज कराया है आपने, रिचार्ज भरवाते हैं आप, लेकिन जब आप टीवी खोलेंगे तो आपके खिलाफ दिन भर बात की जाएगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कितना ढिंढोरा पीटा गया